130 रुपए पड़े थे उसमें। आपको कैसे पता 130 रुपए? तो इसका मतलब आपने चुराए। नहीं नहीं, ये देखो तो चुराए नहीं, मेरी बात सुन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है, आज सारे शूज़ धो दिए न्यू म्यूजिक वीडियो शूट के लिए। तो ये देखो, सारे सारे पड़े हैं ना, तीनों भाइयों के। तो तीन आउटफिट तो होंगे, तो हमको तीन तीन जोड़े तो चाहिए होंगे, मतलब 9 जोड़ी तीनों को चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सारे धो दिए। वही साइड हो, थोड़ा सा इधर हो जाए, दिखा दूँगा थोड़ा सा इधर। तो ये देखो, सारे सारे धो दिए यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे भी हैं, तो ये भी धो दिए। धूप में यार कलर उड़ जाएगा इनका। उनका क्या कलर उड़ता है? वो कलर उड़ जाएंगे भाई। नहीं बेटा, कपड़ों का उड़ता है, वो नहीं हो रहा कपड़ों। ना, धूप में नहीं, प्लीज, धूप में। तो मम्मी कह रही धूप में डाल दे, तो मैंने मम्मी को मना करा, मेरे कपड़े और जूते धूप में मत डालना, बिकॉज धूप में ना मेरे इतने सारे कपड़े खराब हो गए। दिखाऊं? दिखाऊं? इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने ब्रांडेड कपड़े, सारे एक बार डालता हूँ और धो के खराब, ब्लैक, पूरा ब्लैक होता है ना, वो पूरा लाइट हो जाता है, कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है। इतना अजीब सा लगता है, इतने महंगे कपड़े, फिर भी, फिर किसी ने बताया मुझे कि हाँ यार धूप में मत डाला करो। तो अब से कोई भी कपड़ा, जूता, कुछ भी धूप में नहीं। ठीक है, ठीक है, सूखे कोई नहीं, तो 2 दिन में सूखे, लेकिन धूप में मत डालना। यहाँ डाल देना, ये जो ये है ना, ये देखो यहाँ पे, इस पे डाल देना, रेलिंग पे डाल देना। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात यह है, तीनों भाइयों का साइज एक ही है शूज़ का, तो हम कोई भी शूज़ डाल सकते हैं। तो हम कोई भी शूज़ डालें, हम तीनों भाई डाल सकते हैं। पीयूष वैसे बहुत छोटा है, लेकिन पैर उसके बहुत बड़े हैं, तो मेरे बराबर पैर है उसके, तो ये शूज़ वो भी डाल लेता है, पीयूष भी, साहिल भी और मैं भी, तो तीनों मिलके डालते हैं। अरे हाँ, पापा जी भी, अरे चाचा जी भी, सबको आ जाता है। अरे हाँ, पापा जी भी, चाचा जी भी, हमारे घर में सब सेम शूज़ डाल सकते हैं, साहिल, पीयूष, मैं, चाचा, पापा, आप भी डाल सकते हैं। हाँ, मेरे पैर इतने हैं। ओ यार, बस ये चाची के पतले हैं। हाँ, चाची के पतले हैं। और ये जो जूतों की रखवाली कर रहे हैं, और ओरी, चलो अंदर, चलो बाहर, बाहर गर्मी हो रही, चलो अंदर, बाहर गर्मी हो रही, चलो। छोले, छोले बनाए, ऐसा करना, छोले चावल खाने, चावल तो दिन में खाइयो, फिर अभी क्या चावल खाता है, देख तो ये अभी 2 रोटी खा ले, सुन मेरी बात, फिर थोड़ी देर में चावल बना दे, रोटी फिर चावल नहीं खाए जाएंगे, एक ही चीज़ खाया जाएगा। जब तक पीयूष और कुनाली स्कूल होते हैं, तब तक घर में एकदम शांति होती है। देखो, अभी जैसे वो स्कूल से आएंगे, कुनाली जो हंगामा करेगा घर के अंदर, भाई उधम मचाने वाला आ गया। आते ही फोन उठा लिया, आते ही फोन उठा लिया, फोन दे यहाँ, फोन दे, आते ही फोन, स्कूल से आते ही फोन दे। तो फिलहाल अब लंच करते हैं, मस्त छोले चावल विद आलू। स्कूल कैसे चल रहा है? साहिल के बाल कितने तगड़े लग रहे हैं। कल उसके बाद वो पुलिस वाला सीन हो गया था, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा, तो मैंने व्लॉग करा नहीं, बस वही डाल दिया मैंने। तो गाइस, आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। मेरे पास ये बॉक्स है देखो, आईपैड का, जिसके अंदर पड़े थे बहुत सारे पैसे, जो कि थे पीयूष के। तो ये एकदम से गायब हो गया, जैसे ही पीयूष ने देखा, पीयूष ने ना ये बॉक्स रखा हुआ था उसके अंदर, तो हाँ ये एकदम से निकाल के देखा, इसमें 1 रुपया भी नहीं मिला। तो सारा शक जा रहा है कुनाली के ऊपर कि कुनाली ने वो पैसे लिए हैं। आपने लिए पैसे? ना, जो जो मेरे गुल्लक में सिक्के थे ना, वो पीयूष दा की थी। सारदा ने लिए कितने सारे हो? अबे दे ना यार, मजाक मत कर, मजाक मत कर, मेरे से सारदा ने ले लिए मेरे गुल्लक। मैं क्यों लूंगा यार? कितने थे? 4,000 रुपए। 130 रुपए पड़े थे उसमें। आपको कैसे पता 130 रुपए? इसका मतलब आपने चुराए। ये देखो, चुराए नहीं, मेरी बात सुन, मैंने उसको सिक्के दिए थे उसके बदले, इसके हाथ में थे नोट। हाँ, तो मेरे पैसे दो ना। 130 रुपए थे बस, थोड़े से दो नोट। मेरे पास सिर्फ 130 रुपए थे। अच्छा, स्कूल में लेके गया 500 नोट स्कूल में। 10 रुपए ले आता हूँ, 3-4 दिन से लेके नहीं गया मैं। 500 नोट कहाँ से आ गया तेरे पास? मेरे पास नहीं था, तो कोई देता नहीं, पैसे दो ले आओ। पैसे चोर लिए घर वालों ने मेरे। तो गाइस, पीयूष काफी सैड हो गया, बिकॉज़ उसके पैसे खो गए। चल, मैं भी मेरे से ले लो पैसे। कितने पैसे थे बता? ये आप कब से इकट्ठे कर रहे हो? एक अभी सालदा ने दिया, और एक बहुत पहले मैंने अलमारी से निकाले हो, और एक आपके उसमें से, और सा, और वो पहले आपने वो जब अलमारी में निकाले थे मैंने, और फिर आपने मेरे को इतने सारे सिक्के दिए, इतने दिन में इकट्ठे हो गए। मेरे सिक्के निकाले वो नहीं बता रहा ना, छोड़ना, पैसे ही तो है, हाथ की मैल है, आते जाते रहते हैं। तो ये देखो, पापा जी ने काम स्टार्ट कर दिया है। पापा जी क्या बन गए, पूरे डाकू लग रहे एकदम। तो पापा जी खुद ही कर देते हैं पुट्टी पेंट वगैरह, क्योंकि पापा जी को आता ही है, तो हाँ स्टूडियो में अब खाली बैठे तो कर देते हैं, उसमें क्या है। तो
तो अभी तो स्टूडियो कुछ ऐसा लग रहा है, अभी यहाँ पेंट होगा, पूरा वाइट पेंट हो जाएगा और फिर टेबल्स आएंगे यहाँ पे, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल, यहाँ पे कर्टन्स। तो टेबल्स के लिए कारपेंटर को हमने बोल दिया है, टेबल्स आ जाएंगी और बस 3-4 दिन काम बाकी है बस, फिर अपना स्टूडियो रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी लगाने हैं ना। चाचा जी और पापा जी मिल के काम कर रहे हैं मस्त। काम करने में कोई शर्म नहीं है, जिसको जो काम आता है उसने वो काम खुद करना चाहिए। हाँ, अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे तो अपने पापा जी और चाचा जी से पेंट करवा रहे हो, पुट्टी करवा रहे हो, अब उनको उनको आता है करना, उनको अच्छा लगता है तो कर रहे हैं भाई, मैं तो बोलता नहीं ऐसे कि तुम करो ये है, कितना थोड़ा सा तो है। YouTube से पहले तो यही करते थे पापा जी, मतलब लोग घरों में जाके ऐसी मजदूरी पुट्टी वुट्टी यही करते थे, तो पापा जी को आता है, लेकिन अब नहीं करते, अब तो अपने घर में करते हैं बस, जब कहीं पे काम वगैरह करना हो। पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी, ताज़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और क्या, तो अभी गाइस देखो मेरे पास क्या है। तो ये है मेरे पास में गिम्बल, जो कि मैंने लिया है अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हाँ चलो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गिम्बल भी कभी बाय करूंगा, और मस्त मस्त ट्रैवल प्लान्स हैं मेरे, तो उसमें काफ़ी यूजफुल होगा ये। तो चलो अनबॉक्स करते हैं इसको। ओ भाई कुनाली चाकू लेके आया, जो हमारे गाने शूट होते हैं ना, गाने ही शूट होते हैं। अच्छा। इसमें कैमरा लगता है। अच्छा। अभी दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है इसका? गिम्बल। अभी ज्यादा भारी नहीं है ये, गोरिल्ला पॉड से ज्यादा हल्का है ये। दिखा, ये ब्लॉगिंग के लिए तभी तो बोला। हाथ में दिखा मेरे। हाँ बड़ी, हाँ इतना हल्का, भारी वाला मोजा का। हाँ इतना हल्का, जैसे कि उठा के चल देगा कहीं भी। तो इसमें हम कैमरे को ना किसी भी तरफ घुमा सकते, तो मान लो ऐसे मेरे हाथ में कैमरा है, ठीक है, तो कैमरा अगर उस साइड करना है ना, एक बटन दबा के उस साइड हो जाएगा, इस साइड बटन दबाना है मुझे बस। तो भैया इस गिम्बल ले तो लिया, लेकिन चलाना नहीं आ रहा, बैलेंस नहीं हो रहा बेसिकली। इसमें कैमरा लगा रहे हैं ना, तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब सीखना पड़ेगा। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इससे हम शूटिंग बहुत तगड़ी कर सकते हैं, जो इवन जो मेरे गाना शूट हुए थे ना, मौजा हो गया या फिर जो अभी मंजूर नजर, वो सारे इस गिम्बल पे ही होते हैं। तो फिलहाल तो अभी लंच करते हैं, लंच टाइम है। तो आज मस्त दाल चावल बनी है विद हरी सब्जी। तो यहाँ पे मस्त पेंट चल रहा है पापा जी का। पापा जी और चाचा जी तो लगे हुए हैं सुबह से पेंट करने में, तो इधर का एरिया पूरा पेंट कर दिया है। एक दिन के लिए होगी, लाइफ चेंज हो गई, वही पुरानी वाली लाइफ चेंज हो गई। पहले भी पापा जी पूरा दिन ऐसे ही काम करते थे, हम सब स्कूल जाते थे, मैंने भी पापा जी की तरह काम करे, पापा जी के साथ में। पापा जी की लेबर भाग गई थी, तो 10-15 दिन के लिए पापा जी के साथ में जाता था काम करने के लिए। मैं पापा जी को माल बना के देता था, पापा जी काम करते थे मस्त। तो मैंने भी एक्सपीरियंस ले रखा है ये मजदूरी वाला। उस टाइम पे गर्मी के दिन थे, हाँ बहुत गर्मी के दिन थे, पापा जी और मैं मिल के काम करते थे। एक बार तो मैंने सोचा भी था कि मैं यही काम करूंगा, मैं पापा जी यही काम करते हैं, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, यही काम करते हैं। मैंने सोचा था उस टाइम पे, अगर मैं एक्चुअल में यही काम करते रहता उस टाइम पे, पापा जी बोलते चल कर 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 कर, तो आज हम अब ऐसे ही काम कर रहे होते कहीं पे। पापा जी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, उनको शर्म नहीं आती किसी भी काम करने में। वो घर की सफाई खुद करते हैं, जैसे अभी पेंट कर रहे हैं, पुट्टी, घर का सारे काम करते हैं, तो उनको किसी की शर्म नहीं आती कि हाँ अब मेरा बेटा यूट्यूबर हो गया, हमारे पास पैसे आ गए, तो मुझे ये काम नहीं करना, मुझे काम वाले रखने हैं, काम वालों से काम कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले की तरह जैसे आपने देखा होगा अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह से काम करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और मैं इंस्पायर भी होता हूँ। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। पीयूष और कुनाली तो मस्त लीची पेल रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ गिम्बल से, तो बताना साइड में कहाँ जा रहा है ये, मेरे को यूज़ करना नहीं आता अभी ये। अच्छा ऐसे है, इससे मतलब हिलेगा नहीं देखो अब। अच्छा, क्योंकि ये लेकिन बहुत बहुत हैवी, बहुत हैवी है गाइस, बहुत हैवी है। मम्मी जी ये मेरा न्यू सेटअप आज से। अच्छा ऐसे है, इससे मतलब हिलेगा नहीं देखो अब, क्योंकि ये लेकिन बहुत बहुत हैवी, बहुत हैवी है गाइस, बहुत हैवी है। मुझे आपकी तरफ करने में आपकी तरफ कर सकता हूँ, अपनी तरफ करने अपनी तरफ ला सकता हूँ, दिव्यांश की तरफ करना दिव्यांश की तरफ नहीं है मेरी तरफ नहीं आ रहा। अरे वो ऐसे नहीं आएगा, रुको रुको आएगा, वो मुझे चलाना नहीं आता इसमें, मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, मुझे हाथ को मूव करने की आदत है ना। ये देखो चारों साइड घूम रहा है, ये देखो मस्त चारों साइड घूम रहा है। न्यू ब्लॉगिंग सेटअप, अब से इससे ब्लॉग करेंगे, ठीक है? जरूर ना। हाँ आप से इससे ब्लॉग करेंगे। नई जिम खोल रखा है। ओए कुनाली को मत दियो, कुनाली को मत दियो, ये सीखना पड़ेगा भाई, अभी आता नहीं है ना ये। कम से कितने किलो होगा पता है? ये होगा 5 किलो। 5 से ज्यादा है भाई, ये कम से कम 8 किलो है। तो गाइस एक और चीज ऐड हो चुकी है हमारे गियर्स में, जो कि गिम्बल, तो इसको यूज करेंगे अब जब ट्रैवल करेंगे, मस्त मस्त शॉट्स लेने, सिनेमेटिक शॉट्स, क्योंकि बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा है ये देखो, क्योंकि इसमें ना जो है इसमें ना ये देखो यहाँ पे जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक से ना देखो ये सही, ये ड्रोन की तरह काम कर रहा है, ड्रोन जैसे घूमता है ना, ये देखो मस्त घूमता भाई। भाई ये शॉर्ट्स तगड़े आएंगे इससे, नीचे का शॉर्ट्स लेना है, ऊपर का लेना है, ये देखिए नीचे का भी। भाई गिरा मत दियो। तो कुनाली कह रहा था मुझे भी घुमाना है, तो कुनाली भी घुमा रहा है देखो। इससे व्लॉग नहीं कर सकते गाइस, इससे सिर्फ हम सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेंगे। तो अभी चलते हैं मम्मी जी और चाची जी को लेके थोड़ा पहाड़ तक घुमा के लाते हैं, चलो पहाड़ तक। पहाड़ तक जाएगा ऐसे ही ऊपर तक चलेंगे, थोड़ा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा मम्मी का।
सुबह से घर में काम, सब खाना बनाना ही है। तो आई थिंक पीयूष और साहिल नहीं आ रहे, वो अंदर ही हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं चाची और मम्मी को ही ले जा रहा हूँ, थोड़ा इनका मूड फ्रेश रहेगा ना, बिकॉज पूरा दिन घर में रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमारी केयर करते रहते हैं, है ना चाची। चलो फॉर्चुनर लेके चलते हैं, हमको भी केयर करनी चाहिए ना चाची और मम्मी की। अरे पीयूष भी आ रहा है क्या? तो भी गाइस रुके हैं यहाँ पे, भुट्टे वगैरह खाते हैं, भुट्टे खिला दो सबको। अरे इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं। ओ भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ, देखो मौसम खुला हुआ है ना। चाटते नहीं खाते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए यहाँ पे। चाय कॉफी कुछ? कॉफी नहीं, चाय। तो भुट्टे तो आ गए हमारे, तो अपने दाल चावल आ गए। मम्मी जी को बहुत ज्यादा मिर्च लगी। ओ भाई कुनाली कितने सारे खा गया, एक और खाने? तो कुनाली के लिए एक और मंगाया, तेरे लिए भी। क्या हुआ? तो पीयूष को भी खतरनाक मिर्च लगी है। पहले बिल बताओ, पहले बिल बिल बताओ। हमने इतना कुछ खाया यहाँ पे, भुट्टा वट्टा खाया, दाल चावल खाया, बिल ही नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता ना। अरे ऐसे नहीं, आप भी यहाँ कमाने के लिए हो यार, ऐसे थोड़ा ना। हाँ 50 रुपए थोड़ा होते हैं। देखो कितने सारे भुट्टे खाए हमने, गिनते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 गाइस बता ही नहीं रहे। तो 550 और दाल चावल, दाल चावल नहीं पता यार मैंने। दाल चावल, दाल चावल कितने का है बताओ ना। चलो चलो आराम से रोड क्रॉस करना, आराम से। चलो अब गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। उठा दो, उठा, उठा के दिखाओ। आराम से, आराम से। जिंदगी मेरी तुझ में समा, जब से तेरा। ओलू सौदागे हैं, सौदागे ओली। तो भी गाइस घर पहुंच गए, और पापा जी के लिए भी ले आए थे यहाँ पे भुट्टा, तो हम मस्त पहाड़ी भुट्टा खाएंगे पापा जी। और चाचा जी भी खा रहे हैं। देखो मैंने एक और सेट खा लिया। एक और खा लिया, पूरा पेंट कर दिया, पूरा हो गया एक ही दिन में। तो पापा जी और चाचा जी ने मिलके मस्त 2 दिन में पूरा पेंट और पुट्टी कर दिया, देखो पूरा वाइट हो गया। अब मस्त अब फर्नीचर लगेगा, और फिर अपना स्टूडियो लगाएंगे, अब कर्टन्स लगाने हैं बस। तो हाँ थैंक यू पापा जी, थैंक यू। तो भी गाइस रात के 1 बज गए, अब जाके एडिटिंग कम्प्लीट हुई है, अब इसको अपलोड पर जाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो पैसे थे इस बॉक्स में जो कि अब नहीं है, तो अब नहीं है तो नहीं है, अब गए तो गए, आगे से ध्यान रखियो भाई। अब आगे से होंगे तभी तो ध्यान रखूंगा, है नहीं तो क्या ध्यान रखूंगा।